ले लो ले। ये वाली जो है कि भैंस की बच्ची है एक साल की, गाय जो है कि दोस्तों उनको देनी है, सेल करनी है। ये बकरी है देखना, ऐसा में ऐसा 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 हवलू ले ला सूर्या बराबर ऐसा में। ट्रैक्टर इस वजह से हम निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है कि रात को भाई कंप्लीट 2 घंटा बारिश था, तो पूरा अंदर भी कीचड़ कीचड़ कर दिया है। ट्रैक्टर जो है कि अभी लेके जाना है वो टंकी के पास। तो इधर गाड़ी जाएंगी क्या? गोबर भरने के लिए आ रही। मना कर दे उनको, मत आओ आज कल आओ। मैंने मना कर दिया, वो इधर आ गए, मेरे को ऐसा लग रहा जाएंगे गाड़ी। नहीं रे यार, नहीं चलाऊंगा, पीछे लूंगा ऐसा जोर में से जान दूंगा, फिर वहां से उधर जाएंगे, इजी जाएंगे गाड़ी। उस दिन बारिश हुआ था, इससे ज्यादा आज बारिश हुआ है और सब कीचड़ वगैरह जो है क्या थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन कोनो दिक्कत नहीं है। गाय जो है कि छोड़ के वो टंकी के पास लेके जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो हम सब? आई होप आप सब मौज में हो, मैं एकदम मौज में हूँ। तो फाइनली जो है कि दोस्तों कल जो है कि टाइम नहीं मिला था, तो आज जो है कि पहले जो है कि गाय वगैरह जो है कि वहाँ पे छोड़ देते हैं, फिर सुरेश भाई और मैं चलते हैं और बछड़ी जो है उसे लेके आएंगे। आज मामा के पास 4 गाय है, तो अभी बारिश के मौसम में ना ये वाली एक बछड़ी है, बोलते बहुत परेशान करती है क्योंकि भैंस के चलने की रफ्तार बहुत कम होती है, गाय की स्पीड ज्यादा है, तो उसमें ये बछड़ी बहुत परेशान करती है। तो पोपट मामा बोले भाई ये बछड़ी जो है कि मुझे सेल कर देनी है। तो सुरेश भाई ऐसे हंस मजाक कर रहा था, बोले मुझे दे दो। ऑलरेडी जो है कि हमारे पास ही बहुत सारी बछड़ियाँ हैं, लेकिन सुरेश भाई है ना मामा को बोले मुझे दे दो, तो मामा तो वो फिर खुश हो गए। अगर दूसरी जगह पर दी तो कौन जाएंगे, यहाँ तो बोले मैं रोज देखूंगा, तो मामा बोले तू लेके जा। तो वो वाली बछड़ी जो है कि भाई हमने खरीदी है, ऐसा नहीं है कि फ्री में ली है भाई, उसका हमें मामा को पैसा पे करना है। अभी मैं तो मना कर रहा था, लेकिन सुरेश भाई बोल रहा है उस बछड़ी का माँ का मिल्क रिकॉर्ड अच्छा है, बोले तो बछड़ी ले लेते हैं, अपन रखेंगे यहाँ पे। हम खुद जो है कि बछड़िया जो है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी इस मौसम में यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ होने वाला है, तो गाय थोड़ी कम कर देना है, तो उसमें जो छोटे छोटे जो बच्चियाँ हैं वो थोड़े सेल कर देंगे ताकि थोड़े कम हो जाए। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट होते हैं जगदीश भाई सेल मत करो। प्रॉब्लम ये है कि भाई इतनी सारी गाय को संभालना बहुत हालत खराब होती है भाई, हद से ज्यादा इनको चारा डालना और थक जाते हैं शाम तक सब, तो इसके वजह से गाय जो है कि थोड़ी कम कर देंगे, थोड़ी रखेंगे। अभी पोपट मामा की भी मैं मना कर रहा था, लेकिन सुरेश भाई जो है कि मान नहीं रहा है। सुरेश भाई बोल रहे हैं मुझे पसंद है और मुझे लानी है। मैंने बोला ठीक है लेके आओ। तो आप जो है कि बछड़ी लेने के लिए जाने वाले हैं, तो अभी जो है कि इस ट्रैक्टर को जो है कि उधर लेके चलते हैं। कर दो है खाली, अच्छा हुआ कल भर के लेके आए, सुबह सुबह चारा में ये काम आ गया। 1-1.5 घंटा तो आराम से यहीं पे खाएंगे। यहाँ पे दोस्तों बहुत बेस्ट जगह है, यहाँ पे कीचड़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि नीचे पत्थर डाले हैं, फिर मुरुम डाला है। अरे देखो इसका काम, सूर्या नीचे गिर जाएगा, रहने दे वो काम कर सही से। चलो अभी जो है कि दोस्तों फटाफट से इनको छोड़ देते हैं। तो मामा बोलते इधर आओ, ठीक है दोपहर का देख चक्कर मार के आते हैं। तो आज बछड़ी लेने के लिए नहीं जाना? जो हमारे एक मामा जो है वो अभी गुजरात जा रहे हैं, तो उनका जो है कि ऐसा बड़ा शेड है, तो आज वो बोले भाई अगर आपको लेना है तो आप आके एक बार देख लो। वो शेड भी हमें आज देखने के लिए जाना है, अगर अच्छा है तो फिर वो शेड ले लेंगे अपनी गाय के लिए बनाने के लिए, क्योंकि गाय को अभी बनाना ही पड़ेगा। तो अभी वहाँ भी जाना है और बछड़ी भी लेने जाना है, लेकिन वो वाड़ा के अंदर जा रहे हैं, वहाँ अंदर फालतू में कीचड़ कर देंगे यार, अंदर क्यों जाने दिया, गेट बंद कर दो ना यार। हेलो चलो फिर अरे चल चल फटफट जल्दी, घास में ऊपर आगल नहीं जाए, ग्राउंड में चारा डाला है सिर्फ, वो घास के आगे खड़ा रहे। चलो अभी महेश भाई अकेला लेके जा रहा है, क्योंकि अभी तक कोई फसल वगैरह लगा ही नहीं, तो कितना कोई दिक्कत है नहीं, अकेला भी चला जाएगा। और कर रहा मैं क्या करूँ, फसल निकाल लें इतना अरे बैठे, अरे उदी कुदी 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 व्हाइट पीर के दूध पी गई पूरी, अरे बच्चे निकाल देना, बच्चे निकाल दे पूरे। चलो निकलो बाहर, निकलो
और जल जल्दी वो बछड़ी लेने के लिए जाना है यार। यहाँ पे इतने सारे बच्चे यही परेशान कर रहे हैं और तुझे दूसरी बछड़ी लानी है। नहीं बोल रहा लेकिन दोस्तों सुन ही नहीं रहा है। हमें जो है कि इसमें से बछड़िया कम करनी है यार। ए लाडो बस अभी दोस्तों ये 4 महीना हमारी इतनी हालत होती है ना दोस्तों। 8 महीना जितनी मजा होती है ना उतनी 4 महीना फुल हालत। बछड़िया छोटे बच्चे परेशान करते, गाय परेशान करते, बारिश परेशान करता बहुत ज्यादा। तो कितना स्पीड लेके जा रहे हैं? हाँ फंस गया, ट्रैक्टर नहीं निकलने वाला, 100% फंस जाएंगे आज। अबे नहीं निकलेगा वो, रहने दे दोस्तों। अभी ट्रैक्टर इसमें चलने वाला है नहीं, स्लिप मार रहा है वो। आए आए नहीं निकलेंगे, उतर जा नीचे, फंस गए वो। बच्चों को भी पत्ती डालनी है। फिलहाल जो है कि दोस्तों इतने मुश्किल से ये वाला ट्रैक्टर निकाला है, अंदर फंस गया था, एकदम हालत हो गई थी खराब। फिलहाल जो है कि नहा धोके हो गए हैं रेडी, अभी चलते हैं यहाँ से। पहले पोपट मामा के घर पे जाएंगे, फिर वहाँ से और एक मामा के वहाँ पे जाना है, क्योंकि उनका जो शेड है वो बोले भाई हमें दे देना है और हमें गुजरात जाना है। शेड अच्छा है, वो लकड़ी का ही है अभी, क्योंकि उस दिन हवा आई थी तो वो भी शेड नीचे गिरा दिया था। तो अभी अगर लकड़ियाँ सब अच्छी है तो ले लेंगे, अगर ज़्यादा टूट टाट हुई है तो फिर दूसरा देखेंगे। जो है कि दोस्तों अभी हम आ गए हैं पोपट मामा के वहाँ पे। तो अभी पोपट मामा के यहाँ से हमें एक बछड़ी लेके जानी है, लेकिन अभी एक चलते आगे, एक शेड जो है आगे, एक दूसरे मामा है हमारे, उनका शेड देखना है। हेलो भाई, तो ये जो है कि सारी लकड़ियां है दोस्तों, ये कुछ बाम्बू है, बाम्बू तो अच्छा करो। ये वाली गाय जो है कि दोस्तों उनको देनी है, सेल करनी है। हाँ तो जाऊँ तो जल्दी आ जाओ यार, बहुत टाइम हो गया। ए मामा भाइंजू डुबू तो ये वाली जो है कि भैंस की बच्ची है 1 साल की। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताना भाई कि कैसी है भाई, मुझे तो बहुत पसंद है ये। चलो चलो फटाफट से। तो दोस्तों सेठ जो है कि मामा का देख लिया है, अभी चलते हैं, अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है। मैंने बोला कॉल पे बताएंगे, क्योंकि ये सेठ जो है कि बारिश का मौसम हो रखा है, अभी तक हमारी गाय को हमें गन्ना डालना है, तो फिर अभी निकलते हैं। कल जो है कि अभी आ गए हैं हम पोपट मामा के घर पे, और अभी हमें मामा हम बछड़े लेने के लिए कल आएंगे, क्योंकि अभी हमें गन्ना डालना है, फिर पीछे बारिश का मौसम हो रखा है, तो अभी फटाफट से चलते हैं घर पे। जो है कि जबरदस्त वाला मौसम हो रखा है और अभी आ गए हैं हम घर पे। ये जो है कि हमने इसलिए बनाना छोड़ दिया है, क्योंकि अभी 2-3 दिन जो है कि जबरदस्त बारिश बोला है, तूफान बोला है, तो मैंने बोला फिर से बनाएंगे फिर से गिर जाएगा, तो इससे अच्छा है कि इसको थोड़े दिन छोड़ ही देते हैं। फिलहाल जो है कि सीन ऐसा है कि मामा के वहाँ पे हम गए थे, और जो उनका सेट है वो भी उस दिन हवा से ही उड़ गया था तूफान से, लेकिन वो बोले ऐसे भी मुझे वो अभी सेल कर देना है, क्योंकि वो जा रहे हैं गुजरात। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो सेट का अभी तक व्यवहार नहीं किया है, वो सेट हमें लेना है, और एक भैंस की बच्ची है जो कि मैंने दिखाई पे, मुझे बहुत पसंद आ गई थी और आपने भी देखा होगा। तो आप जो है कि मैं कमेंट करके बताना कि कैसे लगी। बस शौक से रखना है, ऐसा नहीं कि भाई भैंस हम अभी बढ़ाएंगे, शौक से रखना है, क्योंकि मुझे वो भैंस की बच्ची पसंद आ गई है। तो मैंने बोला ठीक है, ये भैंस की बच्ची और शेड का जो है कि डन करके फिर लेके आएंगे, यहाँ पे लाने के बाद शेड बना देंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा शेड है, वो आराम से अपनी जो है कि आधे से ऊपर गाय जो है कि उस शेड के अंदर बैठ जाएंगी। हमें जो है कि पोपट मामा के यहाँ से एक बछड़ी भी लानी थी, लेकिन आज जो है वहाँ से आए और बारिश का मौसम देख लिया, तो मैंने बोला भाई अभी चलो अभी जो है कि पहले काम निपटाते हैं बछड़े का, कल का रखेंगे, कल जाके लेके आएंगे। सुरेश भाई जल्दी जाए यार, गन्ना डाल दे यार, हट बाहर नहीं आने, बाहर नहीं आना, चलो चलो जल्दी चलो चलो यार सुरेश भाई जल्दी यार, अबे अटक गया है तू वहाँ पे। फिलहाल जो है कि दोस्तों बारिश के मौसम में जो व्यू होता है ना भाई, एकदम खतरनाक होता है। अभी आप देखिए एकदम अलग लेवल, मौसम बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। सिर्फ जो है कि बारिश आता है, यहाँ पे कीचड़ होता है, अगर बहुत बड़ा पहाड़ मिल जाए ना तो मुझे बारिश का मौसम पसंद है भाई, लेकिन कीचड़ की वजह से भाई मुझे बहुत बहुत जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना कीचड़ में गाय को भी दिक्कत होती है और हमें भी होती है,
लेकिन आजू बाजू का पहाड़ है नहीं, बहुत सारे दोस्त जो है ये बोल रहे हैं कि जगदीश भाई आप जो है कि उस रथ पे जो जमीन है उसका कुछ हिस्सा बेच दो और यहाँ पे थोड़ी बहुत जमीन ले लो। लेकिन मैं आपको बता दूं गांव में जो है कि जमीन सेल करने के लिए है नहीं, ये तो थोड़ी बहुत जो है कि इधर उधर से हम लोन करके ले लेंगे, लेकिन जमीन गाँव में कहीं मिल नहीं रही है। ये तो लोन करके जमीन ले लेंगे फिर जो है कि सेड वगैरह कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही है दोस्तों। ये तो हम कुछ भी करके थोड़ी बहुत जमीन ले लेंगे यहाँ पे, लेकिन मिल नहीं रही है। चलो दोस्तों, तो अभी जो है कि हमारी गौरी गाय के लिए थोड़ा घास जो है वो काटने के लिए जाना है। कौन सा काटने का है? ये देखो ये वाला जो है कि घास दोस्तों काटने का है। ये जो है कि बिल्कुल फ्री है, क्योंकि बहुत बार हम जो है कि हमारे दोस्त की गाय की मिल्किंग करने के लिए आते हैं, ये इनका घास है, क्योंकि हम भी बहुत उनको हेल्प करते हैं। तो बोले भाई घास जो है कि थोड़ा बहुत है काट के लेके जाओ। बोले थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा ही है। देखो ये पूरा काटना है, ये काटना है, वो काटना है, और ये देखो। अरे ऐसे कौन काटता है भाई? अरे उसको डायरेक्ट उखाड़ नहीं लेना है सुरेश भाई, काटना है उसको। अरे सुरेश भाई बस यार, बस हो गया, हो जाएंगे यार। अरे यार बारिश आएंगे सुरेश भाई। ये वाला भी घास जो है कि हमें बोला है कि काट के लेके जाओ। सुरेश भाई बस हो गया इतना यार, 6 बज गए, मिल्किंग करना है, चलना अभी। चलो अभी चलते हैं पीछे जो है कि वो सुरेश भाई थोड़ा घास लेके आएंगे। उगले कहाँ डालना है? अबे बच्चों को डाल रहा हूँ सुरेश भाई। ओ भैंस की बच्ची तेरे को कैसे लगी? अभी लाने की, लाने की, डन कर दे, डन कर दे, पहले खोल दे, अब फेंक देना यार। हाँ अबे हट जा यार, अबे रुको यार, अरे तू रुक यार। दोस्तों फटाफट से जो है कि गाय बांध देते हैं। बारिश जो है कि अभी छींटे जो है कि पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखो ये साइड का बारिश है ना 100% आने वाला है भाई। ये साइड था लेकिन वो चला गया, दूर दूर गया। अरे क्या बारिश का क्या काम है यार? नहीं, किसने बोला था उधर जाने के लिए? किसने बोला था है? दोस्तों ये वाला जो है कि हमारा तीसरा सॉन्ग था। बहुत जल्दी ये जो है कि एक हमारा फिर से नया सॉन्ग आने वाला है। जल्दी जो है कि दोस्तों हमारा एक न्यू सॉन्ग जो है आने वाला है, कमिंग सून है, क्योंकि अभी मैं जब जाऊंगा तब शूटिंग जो है कि उसकी गुजरात में होने वाली है। तो अभी बहुत जल्दी जो है कि न्यू सॉन्ग आने वाला है। वो जर्सी दूध पी गया भाई, सुपड़े किसका है ये? पकड़ के बांध दे उसको, छूट गया, उधर से निकल गया सामने से। फाइनली जो है कि दोस्तों बारिश जो है भाई वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी था ये साइड लेकिन बहुत दूर चला गया है। ये अच्छा हुआ भाई दूर चला गया है। भाई भी मुझे काम बताता है यार। वाड़ा के अंदर चल सीधी, बाहर की बच्ची है महेश भैया। अरे वो पकड़ में नहीं आ रही लेकिन। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो तो फिर इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।